हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 इंग्लिश लेसन 1 आई वंडर। एक पोयम है और बहुत ही शानदार पोयम है जो हमारे जीवन में बहुत ढेर सारी सीख देगा। तो इस कविता के बारे में थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि क्या है इस कविता में। तो आई वंडर एक आश्चर्यजनक अनुभूत कविता है। इस कविता में बालक के कौतूहल पूर्ण मस्तिष्क से संबंधित है। कविता का वक्ता एक बालक है। वह अपने चारों ओर देखता है और सोचता है और उसके मस्तिष्क में कई प्रश्न उमड़ने घुमड़ने लगते हैं। उसके पास कई प्रश्न होते हैं। वह सोचता है कि घास हरे क्यों है, फिर वह सोचता है कि क्यों हवा दिखती नहीं है। ऐसे ही कई प्रश्न उसके दिमाग में हैं। अंत में वह बच्चा स्वयं को आश्वस्त भी करता है, यानी स्वयं को मना लेता है, यकीन भी दिलाता है यदि उसके पिता के पास इन प्रश्नों के उत्तर होंगे तो वे उसे जरूर बताएंगे। तो ये सब बातें वह बालक सोचता है। तो देखते हैं इस कविता में किस प्रकार से बालक सोचता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की ढेर सारी कविता हो या लेसन हो सरल हिंदी अनुवाद के साथ आप तक पहुंच सके, आप देख सके, पढ़ सके आसानी से और आगे बढ़ सके। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको पढ़ना ना आता हो वो भी आसानी से पढ़ सके। इस कविता में लिखा गया, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर हमें आश्चर्य होता है, यानी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमें क्या होता है, आश्चर्य होता है। हम देखकर उसको सोचते हैं, आश्चर्यजनक करते हैं। टेल योर क्लास सम सच थिंग, अपनी कक्षा में कुछ ऐसी बातें बताइए। दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट, जो आपके पास है जिस पर आपको अक्सर आश्चर्य होता है, यानी अपने क्लास में भी कुछ ऐसी बातें बताइए जो आपके पास है जिस पर आपको अक्सर क्या होता है, आश्चर्य होता है। कविता की शुरुआत यहाँ से होती है, आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। यहाँ पे है आई यानी वंडर, आश्चर्य, व्हाई क्यों, ग्रास, ग्रास का मतलब होता है घास, इज है यानी ग्रीन, हरा। तो मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। फिर वह सोचता है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। वह बालक सोचता है इन सब चीज़ों को लेकर, वह कई प्रश्न के बारे में सोचता है, वह परेशान रहता है, सोचता है कि ये सब क्यों है। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, यानी पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। ये सब ढेर सारी बातें वह सोचता है, उसके मन में ढेर सारे प्रश्न आते हैं। वो सोचता है कि ये सब कैसे होता है, हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है, घास क्यों हरी है, और पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। फिर वह सोचता है, एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को कहा कि आराम करो, यानी पेड़ों को किसने कहा कि आराम करो। कहता है पक्षियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया और पेड़ों से कहा कि आराम करो। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, यानी कहता है वो जब चंद्रमा बिल्कुल गोल नहीं है, यानी जब चंद्रमा बिल्कुल गोल नहीं होता, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, लापता यानी जो गायब हो गया है उस अंश, वह अंश कहाँ मिल सकता है। जब चंद्रमा गोल नहीं होता है तो जो बाकी के अंश यानी टुकड़े हैं वह कहाँ मिल सकता है। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन द ब्लो आउट, तारों को कौन रोशन करता है जब बुझ जाता है, यानी तारे जब बुझ जाते हैं तो उनको रोशन कौन करता है। कभी कभी बादल छा जाते हैं तो आकाश में तारे नहीं होते, तो वही सोचता है कि तारे जब बुझ जाते हैं तो उनको रोशन कौन करता है। फिर सोचता है, एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, और बिजली को चमका देता है, यानी जो बिजली तड़कती है
बारिश जब होती है, गरजती है, तड़कती है, तो उन बिजलियों को कौन चमकाता है? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है? यानी आकाश में जो इंद्रधनुष उगते हैं जब बारिश के समय में या अन्य समय में, तो उसमें रंग कौन भरता है, कौन पेंट करता है? तो आकाश में इंद्रधनुष कौन बनाता है? एंड हंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो हाई, और कोमल बादलों को इतनी ऊंचाई पर लटका देता है। यानी जो कोमल बादल, यानी आप लोग देखते हैं कि बादल जो होते हैं कितने मुलायम होते हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं, यहाँ पे फ्लूफी दिया हुआ है, तो कोमल या मुलायम, तो इतने ऊपर कौन टांग देता है, यानी लटका देता है, उन कोमल बादलों को कौन लटका देता है? देखिए कितनी ढेर सारी सोच उस बालक के दिमाग में आता है, कितने ढेर सारे प्रश्न उठते हैं कि वह सोचता है कभी कि बिजली को कौन चमका देता है, आकाश में इंद्रधनुष को रंग कौन भरता है, यानी उसको कौन बनाता है, और बादलों को इतना ऊपर कैसे, यानी कौन लटका देता है। आगे कहता है, व्हाई इज इट नाउ, डू यू सपोज, अब ऐसा क्यों है, क्या आप मानते हैं, यानी अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, क्या आप भी इस पर सहमत हैं, इन सब चीज़ों को मानते हैं? डैड वॉन्ट टेल मी, मेरे पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, इफ ही नोस, अगर उन्हें पता हो। वह फिर बालक सोचता है, अपने आप को मना लेता है, अपने आप से कहता है, अगर हम मेरे पिताजी को मालूम होता वह मुझे ज़रूर बताते। कहता है कि दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोस, मेरे पिताजी मुझे नहीं बताएंगे, अगर उन्हें पता हो। फिर वह अपने आप को सहमत कर लेता है कि इन सब चीज़ें के मतलब चीज़ों को देखकर आश्चर्यजनक जो होते हैं, ये सब चीज़ें के बारे में किसी को पता नहीं है। तो वह फिर बालक कहता है कि अगर मेरे पिताजी को मालूम होता तो वह मुझे ज़रूर बताते। तो बालक का कहने का मतलब है कि मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं, शब्दार्थ यानी, तो वंडर मतलब आश्चर्य करना, विंड हवा, बिल्ड बनाना, क्वाइट यानी पूरा, राउंड का मतलब होता है गोल, मिसिंग गायब, बिट मतलब टुकड़ा, लाइटिंग बिजली, फ्लैश चमकना, और फ्लूफी मतलब होता है फुलझीदार, हल्के फुलके, सपोज मतलब होता है मानना। तो इस प्रकार से इस लेसन को आप लोग, इस पोएम को आप लोगों ने पढ़ा, तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। तो इस लेसन को यदि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा, ताकि आपको बिहार बोर्ड के भी लेसन आप तक पढ़ाकर पहुंचा सके और आप आसानी से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा।